Hello my beautiful people, this is me Pratima Chauhan and welcome to my channel. Hope you all are doing great. I'm also doing well. So 10 बज गए हैं, 10 बज के 2 मिनट हो गए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ एंड अब गर्मी शुरू हो गई है. बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी, यू नो, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी है बाहर. सो अब हम पहले अपना कैप वहाँ पहनते हैं क्योंकि हमारी स्किन बहुत ही गंदी है. मैं ऐसे जा ही नहीं सकती बाहर. इवन मुझे 2 मिनट का टाइम लगेगा कैप एकदम पहुंचने में, बट स्टिल मुझे पूरा पैक होके जाना है. टिंटना टंटना. और मेरी शर्ट जो कि मेरी फेवरेट थी कभी. अबे मैं सिर्फ ही अपनी बाजू को कवर करने के लिए पहनती हूँ. इसमें मेरे पानी की बॉटल है, फ्रूट्स है और ये मैं चार्ज से भी डाल दूँ इसमें. एंड आज अंजलि भी क्लास नहीं गई है, उसकी थोड़ी तबीयत खराब है. और ये मेरे ग्लव्स. चलिए चलते हैं. I'm ready, ready to go. है सैटरडे कर दी रही ये कुड़ी. आ आ आ. और आजकल तो ये कुड़ी तो सिर्फ कैफे कैफे करती रहती है, नथिंग एल्स. सो 10 बज के हो गए 5 मिनट. मैं नहा गई हूँ, सब कुछ हो गया, हेड वॉश हो गया है, ब्रेकफास्ट हो गया है. तो चलिए चलते हैं अपने छोटू बेबी की तरफ, मतलब कैफे की तरफ. एंड आज मुझे रॉ मटेरियल लेने भी जाना है तो मैं अभी पैक होके जाती हूँ. मेरे ग्लव्स, आई गेस मैंने वॉश करे हैं रात को. एंड मेरी शर्ट, मेरी कैप, मेरी वाटर बॉटल, मेरा लैपटॉप, ये सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती है. सुबह तो मैं सोचती हूँ ना मेरे पास 2-3 हाथ होते साथ, ताकि मैं सारी चीज़ें उसमें कैरी कर लेती हूँ. सो अंजलि आज गई है क्लास, कल वो नहीं गई थी बिकॉज शी वॉज नॉट वेल. वो गई है तो पहले तो हम अपनी शर्ट पहन लेते हैं. आजकल एक बात और, मुझे स्पोर्ट्स शू पहनने की इतनी आदत हो गई है ना, चाहे मैं स्नीकर पहनूं या चप्पल कुछ भी पहनूं ना, तो मुझे इतना अजीब होता है, मेरे पांव दुखने लग जाते हैं. तो निष्कर्ष इस बात का ये है कि लाइफ में जगह हो, इंसान हो या फिर कपड़े हो, कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए आपको. जो है कुछ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए. तो आजकल मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं स्पोर्ट्स शूज़ पहनना ही प्रेफर करती हूँ. अदरवाइज अगर मैं कुछ और पहनूँ ना तो रात को मेरी हालत इतनी बुरी हो जाती है, मैं थकान बहुत फील करती हूँ. यहाँ पे मैं चली गई थी रॉ मटेरियल लेने और जब भी मैं यहाँ जाती हूँ यहाँ पर बहुत रश रहता है, तो मैं अपनी टर्न का वेट कर रही थी और मैं आराम से बैठ गई थी. साढ़े 11 और अभी मुझे याद आया कि मुझे व्लॉग बनाना है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बिजी थी और आज 11:30 हो गए. तो अभी जस्ट मैं घर पहुंची हूँ. सुबह मैंने व्लॉग किया और उसके बाद मैं भूल ही गई व्लॉग बनाना. मैंने सोचा था कि दिन को भी बनाऊंगी थोड़ा बहुत, तो बनाया नहीं. एक तो गर्मी अब शुरू हो गई तो अब तो व्लॉग तो ऐसे होते कि जल्दी से धूप से बचो तो वही रहता है. एंड सो अभी मैं जस्ट आई हूँ, थक गई हूँ काफ़ी ज़्यादा. अभी मैं नहाती हूँ, फिर नहा के आप लोगों से वार्तालाप करूँगी. एंड अंजलि भी आई थी कैफे आज 2 दिन के बाद, तो आ गई क्योंकि उसकी सुबह क्लास है फिर से, तो वो टाइम से सो गई और मैंने डिनर कर लिया था कैफे में ही. सो अभी मैं नहाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ. मेरी प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, अभी पानी पी लेती हूँ. हेलो गाइस, रात के बज के 12:30, मैं अभी फ्री हुई हूँ. मैंने बेडशीट वगैरह वॉश करा और बेडशीट तो मेरी अंजलि ने बिछा दी थी पहले वाली, वो भिगो के रखी हुई थी. तो और क्या क्या, मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी एंड कपड़े सुखाने को बाहर डाल दिए क्योंकि जब तक मैं उठ जाऊँगी तब तक वो सूख जाएंगे. अब तेज़ धूप हो गई है तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ. सो रात के बज रहे 10:30 और एज अ टोल्ड यू बिफोर कि आज ना संडे को खाली है मार्केट. तो होता है कभी कभी ऐसे संडे को क्योंकि छुट्टी होती है. यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस है, बैंक है और काफ़ी ज़्यादा शॉप है वो भी बंद रहती है. तो आज मैं काफ़ी टाइम से बिजी हूँ तो मैंने सोचा
तो मैं वॉक कर लेती हूँ। इतना अमेजिंग वेदर है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं वॉक कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड और क्या होता है, पहले तो मुझे और अंजलि को काफ़ी टाइम मिल जाता था बातें करने को। अब वो भी क्लास जाती है और मैं भी कैफ़े, कभी वो कैफ़े आती है एक दो घंटे के लिए तो मैं कैफ़े नहीं होती, जब मैं घर जाती हूँ वो सो जाती है। सो हमें ना टाइम नहीं मिल पाता मतलब बात करने का। वैसे तो मैं पूछ लेती हूँ उसको कि उसकी क्लास कैसी रही, क्या पढ़ा है एंड ऑल। तो आज मैंने उसको बोले तो सोइयो मत, अब मैं जल्दी आऊँगी घर, तो हम थोड़े गप्पे मारेंगे एंड ऑल जो भी होगा। सो बस अब मैं 10-15 मिनट की मतलब 10 या 5 मिनट की वॉक करूँगी, तब मैं वापस घर चले जाऊँगी। और कैफ़े की मैंने सफाई कर ली है, झाड़ू वगैरह लगा दिए, और पोछा मैंने कल ही लगाया था तो आज मैं नहीं लगाऊंगी। सो यस, अब मैं जाऊँगी घर क्योंकि वॉक करी गुप्पी, इसलिए अब हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। गाइस, आज 11 बजे और मैं घर पहुंच गई। अंजलि, मैंने तेरे को बोला था सोयो मत। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, सो 11 बज गए हैं, मैं घर आ गई हूँ। और मैंने क्या पहना है, ये जो शिमला के है हिमाचल के उनको तो पता है मैंने क्या पहना है। एक्चुअली ना काफ़ी टाइम से मुझे बहुत मन कर रहा था ये सदरी पहनने का, तो अंजलि जब घर गई थी अभी लास्ट टाइम तो मैंने उसको बोला कि सदरी लेके आई हूँ क्योंकि मेरी गांव में थी तो ये लेके आई थी। मतलब ये मेरी नहीं, अंजलि की है, थोड़ी सी हल्की सी टाइट है, पर टाइट नहीं बट ठीक है, कम्फर्टेबल है। सो मुझे ये सदरी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। और इससे मैंने बोला कि धाटू भी लेके आई हो क्योंकि अच्छा था, बट इसको कोई मिला नहीं तो ये ऐसे गंदा सा लेके आई है, तो मैं आपको पहन के बताऊँगी। सो अंजलि कुछ काम कर रही है, पहले मैं आपको बताती हूँ क्या। जैसे मैं कैफे से आई ना तो पहले मैंने अपने कपड़े वगैरह फोल्ड करे, वो रख दिया अलमीरा में, और फिर मैंने चेंज करा, नहाई नहीं मैं भी, बस हाथ मुँह धो लिए। तो मैंने कुर्ता पहन लिया है और बाहर से पहन ली सदरी जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैंने आपको पहले भी कहा, थोड़ा आप बोरिंग फील हो रहा है कि मैं 10 बार ये बोल रही हूँ, बट येस आई जस्ट लव। और इसको ना सदरी भी बोलते हैं, सदरी भी बोलते हैं, वास्कट भी बोलते हैं, अस्कट भी बोलते हैं, अस्कट बोलते हैं हमारे गाँव में, सदरी सदरी तो जो भी है, बट मुझे हमारे मेरे गाँव में अस्कट ही बोलते हैं, तो इसलिए तो मैंने ये बोला। अब मैं आपको दिखाऊंगी डाटू पहन के, इस सूट के साथ जाएगा नहीं, ये थोड़ा पुराना बुजुर्गों वाला कलर है ना, बड़ा प्यारा, बड़ा ऐसे थोड़ा कलरफुल डाटू, पर एक बार एक डाटू और भी है। कौन सा? अच्छा ये, अच्छा ये न्यू आई थी तो लिया था मैंने पिछली बार। न्यू अच्छा, आई नो ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा है। और एक डाटू वाला मुझे स्वाति भाभी ने दिया था, मेरे भाभी ने, तो वो भी यहीं पे, ये जा नहीं रहा अंजलि इसके ऊपर, देख बिल्कुल भी नहीं जा रहा, पता है ना, ये बहुत गंदा लग रहा है गाइस। तो लेट मी फाइंड समथिंग न्यू, मेरे पास एक और धाठू है वो मैं पहन के बताऊंगी क्योंकि इसके साथ बिल्कुल नहीं जा रहा है ना। ये वाला जो धाठू है ना ये मेरे को दिया था मेरी भाभी ने, उनके पास बहुत सारे धाठू थे। एक और धाठू लाई थी मैं जो अपनी मम्मी का है, जो हम तब लगाते जब हम सिर में ऑयलिंग करते, और वो इतना ऑयली हो चुका है ना। और ये भी थोड़ा ऐसे ही है, मतलब ओल्ड फैशन टाइप डार्ट हुआ है, बट ये भी नहीं जा रहा है सूट के साथ। बट मैं आपको फिर भी पहन के दिखाऊंगी, बट यार अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा सारा मूड ऑफ कर दिया। अंजलि क्या डार्ट लग गया, पागल वागल है क्या लग रहा है? छी हट अंजलि, सारा मूड खराब कर दिया। तो गाइज प्लान कैंसिल, सारे डार्ट गंदे थे इसलिए हम पैकअप कर रहे हैं अपना। सो गाइज बट मुझे सदरी बहुत अच्छी लग रही है। आज रात के बज रहे हैं 12 और मैं कपड़े वॉश कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं कुछ करती हूँ, मैं अपना
मतलब पेडिक्योर कर लेती हूँ और मेरे पाँव को ना अवॉइड कर लो बिकॉज बहुत गंदे लग रहे हैं, इतने गंदे हैं नहीं। और उस पर मैंने बेवकूफ़ी कर ली, पिंक कलर का नेल पेंट लगा दिया क्योंकि बहुत गंदा लग रहा है। तो इस पानी में मैंने शैम्पू ऐड करा है और नींबू सिर्फ, तो मैं इसको ऐसे भीगने दूंगी। उसके बाद मैं ये ब्रश लिया है, इससे मैं ऐसे ऐसे करूँगी तो जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी काफ़ी हद तक। सो गाइस, मैंने अपना पेडिक्योर कर लिया है और उतने बुरे नहीं लग रहे जितने कैमरा में लग रहे, इवन अच्छे लग रहे हैं। और ये जो नेल पेंट है इतना बुरा भी नहीं लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। टन 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 टन। सो गाइस, 12:30 हो गए हैं और मैंने कपड़े वॉश कर लिए हैं और मैनीक्योर पेडिक्योर कर लिया है। कितने क्लीन लग रहे हैं। एक्चुअली वाला हाथ अच्छा था, राइट हैंड वाला ज़्यादा वो छिलके निकल गए थे। सो गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जब भी आएगा। टिल देन बाय बाय।